चैप्टर नंबर 2 में 2A कर चुके हैं और 2B कर रहे थे ना, गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल ज्ञात करना है ना। वर्गमूल ज्ञात करने से पहले 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जो है हमने क्या वर्ग याद करने के लिए दिया था। सबने याद कर लिया, किसको किसको याद हो गया है? हाँ तो करिए, बस इतने लोगों को याद हुआ है और आप कार्य से ऊपर करो। तो 20 तक संख्याओं का वर्गमूल याद करने के लिए दिया था वो जो है, किसको किसको याद हो गया है? वेरी गुड, चलो बताओ। हाँ 324 पक्का? यस यस। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2324
बाग में पंक्तियां हैं, यानी उतने पेड़ हैं और पंक्तियां भी उतनी हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या कर, कुल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कुल पंक्तियों, सही चल नहीं रहा, पंक्तियों की संख्या। अब कुल पंक्तियों की संख्या तय कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कुल पंक्तियों की संख्या जो होगी आपकी, वो आपकी ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, है ना, करना है, ज्ञात करना है कुल पंक्तियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर क्या रहेगा, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल बातचीत करिए, पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका जब इसका अंडर रूट निकाल दें, अंडर रूट ऑफ 2,300,400, तो कितनी पंक्तियाँ हैं, दोनों का गुणा जो है वो इतने के बराबर होगा, पंक्तियों की संख्या क्या रहेगा इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2,300,400 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दो से जाएगा पहले, दो एकम दो, दो पंचे दस, दो दूनी चार, फिर दो से जाएगा 2×10, 2×14, 2×16, 2×16, 12, फिर दो से जाएगा 2×4, 2×16 और 2×16, फिर दो से जाएगा 2×2, 2×8, 2×8, 144 किसका बढ़ गए, 12 का एरिया क्या और जाएगा, फिर दो से जा रहा है 2×17, 14, 2×2, 4, फिर दो से जाएगा जाता है जोड़ा, ठीक है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, चाहे इंग्लिश में बोलिए पेयर, हिंदी में बोलिए जोड़ा, यहाँ पर हमने जो है इसका पेयर बना लिया, तो दो दो के देखो चार पेयर बन रहे हैं या तीन का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पर एक ही बार इसको कच्ची बनेगा और इस जोड़े में से जो है एक ही जोड़ा का अंक उतरेगा, तो दो एक बार उतर गया इसकी जगह पे, दो गएगा इसकी जगह पे, अब यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, ये क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी एक तो गुणा किसका किया जाए और एक में पूछा गया भाग किसका किया जाए, ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो यहाँ
यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या बात निकलो जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1890 जो है टू बी का बात चिन्ह पर करो भाई, छठा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1890 आपको संख्या दी गई है और पूछा गया है इसमें किसका जो है गुणा करेगी गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखो गुणनफल करने के लिए हम सबसे पहले गुणनफल करेंगे, हाँ अभी किसी का देना दो, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से करना है, अपने मन से बड़ी संख्या से नहीं कर देना। ठीक है, तो फिर जीरो जाएगा नहीं, छोटी छोटी दो नाम 18, दो चौको 8, दो पंचे जाएगा किसी ना रहा है, तीन से जाएगा 9, 3 × 3, 3 × 15, फिर 3 से जाएगा 3 × 3, 0, 3 × 15, फिर 3 से जाएगा 3 × 3, हाँ 3 से जाएगा 3 × 9, 3 × 15, फिर 5 से जाएगा 5 × 7, 7 × 7। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 2×2, 3×3, 3×5×7। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर बात हो रही है पूर्ण वर्ग की, है ना, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पे जो है वो क्या हो पूरा पूरा जो है वर्गमूल निकल के आ जाए। अब वर्गमूल निकालने पे पूरा पूरा वर्ग कब बन के आएगा, जब उसके जोड़े बन जाएंगे या पेयर बन जाएंगे दोनों के कंप्लीट। अगर पूरे पूरे पेयर बन जा रहे हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, समझ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो बन गया तीन का, और कुछ पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि दो बच क्या रहा है, दो तीन पाँच सात बराबर मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, कितना आएगा 5×10 और 7×3 21, 21×10 करेंगे कितना जाएगा 210। ठीक है, यहाँ पर जो है इनकी जोड़े में ही इनकी जोड़े बन रहे क्या, नहीं बन रहा ना, बराबर 210 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः दी गई संख्या में संख्या कौन सी संख्या 1890 में पूछा गया है किसका गुणा करें। अब गुणा करने की बात आ रही है मतलब हमें ये संख्याएं और चाहिए, अगर ये संख्याएं और होगी तो सबका जोड़ा बन जाता, 100 सबका जोड़ा बन जाता मतलब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती। तो दी गई संख्या में 2×3×5×7 यानी बराबर 210 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन? अगर इसी प्रश्न में पूछता कि किस संख्या का भाग करें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो मैम जो बचता मैम उसमें से भाग कर देते तो मैम, हाँ तो इसी संख्या को जिसका जोड़ा नहीं बनना है यानी जिसका जोड़ा नहीं बनना है इसी का भाग कर दो, यानी कि हटा हट जाए, अगर ये सब हट जाए केवल हमारे जोड़ा वाला बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाग भी करेंगे तो इसी इन्हीं का भाग करेंगे, और पूरा करना होगा तो हाँ सेवंथ वाला जो है करो, कोई कौन कर पाएगा, समझ आया सबको, चलिए नोट करिए जल्दी फटाफट नोट करिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का है, सातवां क्वेश्चन, ठीक है, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9400 8 में क्या किया जाए, भाग दिया जाए और भाग
भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन करेगा इसको? आओ, हाँ आदित्य आओ। 9408 में किसका वो करे? सबसे पहले इसका इसने क्या किया? गुणनखंड किया, दो से दिया, दो से आपको आठ, और नीचे देखो थोड़ा सा था नीचे देखो, ये सब दे 14, जीरो पर जीरो आ रहा है, दो से आपको आठ मिल जाएगा। छोटा छोटा देखो, चार दो दे छः, वर्ग होगी। हाँ, किसी ने पूछा किसका गुणा किया जाए तो क्या होगा? तीन।
करना है, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई।